वेलकम टू माय चैनल बायोकेम अवर एम में आपका आज फिर से मैं स्वागत करती हूँ और आज एक न्यू टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने आपको पॉलिनेशन के बारे में बताया था कि पॉलिनेशन क्या होता है ना। तो पॉलिनेशन बहुत तरीके से होता है, एयर से होता है ना, और जीवों द्वारा भी होता है और वाटर द्वारा भी होता है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म द्वारा भी होता है। तो जंतु द्वारा जो होता है उसमें से एक स्पेशली मैं आपको बताने वाली हूँ आज कि कैलोट्रॉपिस में किस तरह का परागण होता है। कैलोट्रॉपिस में किस तरह का परागण होता है ना। इसमें इसकी पुष्प की संरचना जो कि आपकी दिखाई दे रही है ना, ये लीव्स है और ये जो है यहाँ पे पराग कोष अटैच रहते हैं। किसके थ्रू रहते हैं? ट्रांसलेटर के थ्रू रहते हैं, है ना। और इसमें ये जो है पूरा कैलोट्रॉपिस, इसे हिंदी में मदार कहा जाता है। तो मदार में जो पुष्प है उसकी ये संरचना है और ये जो ऊपर वाला भाग है ये कहलाता है गायनोस्टेजियम, ठीक है, जो कि वर्तिकाग्र बनाता है। वर्तिकाग्र मीन्स स्टिग्मा बनाता है। तो हम आज इसमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन करने के लिए देखिए, इसमें मधुमक्खी के द्वारा या कीट के द्वारा किसी के द्वारा पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। तो हम इस डायग्राम को देखेंगे। इस चित्र में आपको बताया गया है, मैं डायग्राम के थ्रू आपको पॉलिनेशन बता रही हूँ। जब मधुमक्खी यहाँ पर आकर बैठती है, मधुमक्खी कहाँ? पौधे पे आकर बैठती है, पौधे के पुष्प पे आकर बैठती है। तो वो क्या करती है कि अपनी जीभ को रस लेने के लिए अंदर की ओर डालती है। जब वो अंदर की ओर डालती है तो उसके पैर और मुंह जो होता है वो झुक जाता है। जब पैर और मुंह उसका झुक जाएगा, जब वो यहाँ बैठी हुई है तो उसके पैर और मुंह इसमें फंस जाएंगे, इस तरीके से यहाँ पे फंस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो फंस जाएंगे तो उसमें अटैच हो गए वो मधुमक्खी से, जो ये है इसके पूरे डंक इसके चिपक गए किससे, ये जो है ये जो पराग कोष वाला भाग होता है इसको कहा जाता है, यहाँ देखिए इसको कहा जाता है पॉलिनिया। एक जो पूरे पूरे समूह में रहते हैं उसे वहां पे पॉलिनिया कहा जाता है और एक को वहां पे इस एक वाले को पॉलिनियम कहा जाएगा, इसको पॉलिनियम कहा जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे पॉलिनियम कहा जाएगा और ये वाला जो भाग है कार्पस्कुलम है जिसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ रहता है जिससे कि उसका मुख अटैच हो जाता है, मधुमक्खी का मुंह चिपक जाता है। जब वह मधुमक्खी उड़ती है, ठीक है, जब मधुमक्खी उड़ती है और दूसरे वाले फ्लावर में जाकर बैठती है तो वहां पे क्या करती है, वो अपने पैरों को निकालती है और ये जो पराग कोष है, ये जो पराग कोष है इस गायनोस्टेजियम से टकराते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। और ब्लास्ट हो जाते हैं तो इसकी जो परागकण है वो निकलकर यहाँ पर आ जाते हैं, इसके परागकण निकलकर यहाँ पर आ जाते हैं और उसकी सहायता से फिर वो परागकण अंदर चले जाते हैं। जो पराग नली जो होती है इसकी सहायता से ये अंदर चले जाते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि मधुमक्खी एक फ्लावर में बैठ रही है, गायनोस्टेजियम है, उसको जो पंचभुजी होता है पांच और उसका प्रत्येक कॉर्नर ट्रांसलेटर कहलाता है और इसको एक एक को हम पॉलिनिया कहेंगे और इसको पॉलिनियम कहेंगे। तो वो उसके मुख से और पैरों से चिपक जाता है और दूसरे पुष्प में वो जब जाकर बैठता है तो वहां पे वो उससे टकराकर और वहां पे पराग कोष जड़ जाते हैं वर्तिकाग्र में स्टिग्मा में और वो कहाँ पहुंच जाता है, फ्लावर की ओवरी तक पहुंच जाता है, मतलब जो वर्तिकाग्र फीमेल वाला पार्ट है उसकी ओवरी तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर फिर क्या करते हैं, वो एक्सेल से फर्टिलाइजेशन करते हैं। इस प्रकार से इसमें कीट परागण मधुमक्खी परागण हो जाता है। मधुमक्खियां क्यों आती हैं? मधुमक्खियां रस को लेने के लिए आती हैं। तो इसीलिए ये जो परागण होता है कैलोट्रॉपिस प्रोसीरा या मदार में होता है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा जो भी समझ में आया है थैंक्स उसके लिए। और यदि कुछ इसमें कमियां होंगी तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम नेक्स्ट कुछ और स्पेशल लेकर आऊंगी आपके लिए। धन्यवाद आपको।
मुझे देखने के लिए, वॉच करने के लिए।